दोस्तों, स्वागत है आपका एक और देवभूमि उत्तराखंड के नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका मित्र अमर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे ब्याह शादी में होने वाली ये अनोखी और ज़रूरी परंपरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज सुगन के चूल्हे बनाने की परंपरा। तो दोस्तों देखिए, सुगन के जो चूल्हे हैं वो यहां बुक्सा समाज में बनाए जाते हैं। देखिए, सुगन का जो चूल्हा बनाते हैं उसके लिए मिट्टी खेत से या जो बाड़े होते हैं उससे खोद कर लाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ मिट्टी की, भूमि माता की पूजा की जाती है। देखिए यहाँ पर पूजा करते हुए, और सुगन के चूल्हे दोस्तों दूल्हे की भाभी और बहनें मिट्टी खोद कर लाती है, उस मिट्टी से ही ये सुगन के चूल्हे बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदिवासी जनजाति समाज जो है दोस्तों जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, जल जंगल जमीन को ही पूजते हैं, उनको ही अपना भगवान मानते हैं, प्रकृति पूजक हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मिट्टी पूजी, और उसके बाद यहाँ पर अब सुगन के चूल्हे बनाने के लिए यहाँ से दूल्हे की बहनें और भाभी मिट्टी ले जाएंगी घर पर, और घर पे ही बनाएंगे सुगन के चूल्हे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर फावड़े से मिट्टी खोद कर प्रात में रखी जा रही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाभी और बहनें मिट्टी को ले जा रही हैं। दोस्तों ये जो परंपरा है ये कुमाऊं मंडल का जो बुक्सा समाज है, जब शादी गनती है उसके बाद पंडित द्वारा ये सुगन के चूल्हे की डेट निकाली जाती है, उसी डेट पर ये सुगन के चूल्हे डालते हैं। और दोस्तों वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं वहाँ पर भी ये परंपरा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आ चुके हैं, और देखिए भाभी द्वारा यहाँ पर मिट्टी को गूंथा जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी गूंथी जा रही है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मिट्टी पूरी तरह से गूंथ चुकी है, और अब बनाए जा रहे हैं सुगन के चूल्हे। देखिए दोस्तों, इस तरह से सुगन के चूल्हे बनकर तैयार हो गए हैं। और दोस्तों, सुगन के जो चूल्हे हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है, ये सारी जानकारी हम आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। फिलहाल आप देखिए इस तरह से सुगन के चूल्हे बनते हैं या सुगन के चूल्हे बनाए जाते हैं भाभी द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ब्याह शादी की जो अन्य रीति रिवाज परंपराएं होती हैं इसके बाद ही होती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चूल्हे डाले गए हैं, देखिए दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।